अबे कोहली भाई बधाई हो यार, बधाई हो। अबे तुम तो बिना मैच खेले ही यार एशिया कप में सिलेक्ट हो गए। अबे भाभी अभी ने कोई मंत्र अंतर मार दिया था क्या बीसीसीआई के ऊपर, जो साला तुम बेकार फॉर्म के चलते भी सिलेक्ट हो गए यार। अबे भूतनी के तुम मुझे बधाई देने आए हैं या मुझे जलील करने आए हैं? साले मैच तो तूने भी नहीं खेले थे, फिर तू क्यों गया था वहाँ सिलेक्शन लेने? अबे हम तो खेलने गए थे बे, लेकिन साला किसी ने खिलाया ही नहीं। दोनों सीरीजों में हमारे कैप्टन ने बाहर ही बिठाया बस तालियां बजाने के लिए। लेकिन साला तुम तो सिलेक्ट हुए थे और तुमने मैच भी खेला, लेकिन क्या खोल लिया तुमने? तुम तो साला पूरे मैच में फ्लॉप रहे बे। अबे भूतनी के तू ज्यादा फ्लॉप फ्लॉप मत कर, नहीं तो साले मेरा हाथ उठ जाएगा खाली। अरे हाथ उठा लिया तो हाथ उठा कर घर के जाले साफ कर दो ना, इतने जाले लगे हैं घर में। मैंने कल भी आपसे कहा था, लेकिन आप बर्तन धोने के बाद कपड़े धोने चले गए। अरे चुड़ैल तू अपना मुंह बंद रख, यहाँ एशिया कप के मैच की बात चल रही और तू घर के 2020 की पोल खोले पड़ी है। हाँ तो भाई लोगो तुम क्या पूछ रहे थे मुझसे? नहीं नहीं कोहली भाई कुछ नहीं, भाभी की बात सुनकर सारे डाउट क्लियर हो गए। अबे हम तो एशिया कप में तुम्हारे सिलेक्शन का विरोध करने आए थे, लेकिन साला यहाँ के पता लगा कि तुम्हारा एशिया कप में सिलेक्शन लेके बाहर जाना कितना जरूरी है। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।